हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि बेबी को ड्राई फ्रूट पाउडर इंट्रोड्यूस कराने का सही तरीका और बेबी को ड्राई फ्रूट पाउडर कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और किन किन चीज़ों में हम इसे दे सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। आप इनके अलावा भी जो आपको पसंद हो उन ड्राई फ्रूट को अपने बेबीज की डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए हम लोग ड्राई फ्रूट पाउडर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे और धीमी आंच पर हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं बादाम को धीमी आंच पर भून रही हूँ। बिना किसी तेल या घी की सहायता के मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, यानी कि बिना घी और तेल के इसे भून रही हूँ। ध्यान रहे आंच धीमी रखें और इसे चलाते रहें, वरना ड्राई फ्रूट जल भी सकते हैं। जब ये बादाम भुनने लगेंगे तो वो चटकने लगते हैं और साथ ही साथ में जो उसकी स्किन होती है वो भी थोड़ी सी डार्क होने लगती है, उस पर भी थोड़े डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं। यहाँ पर बादाम भुन चुके हैं, अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम काजू भून लेते हैं। काजू भी हम सेम तरह से भूनेंगे, उसको भी धीमी आंच पर बस हमें चलाते रहना है। काजू पर भी हल्की चित्तियां पड़ने लगी हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के ड्राई फ्रूट को भी भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। अब हम एक खलहड़ लेंगे या एक कुटनी लेंगे, उसमें हम ये जो साबुत ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम, उसको हम छोटे टुकड़ों में कूट लेंगे। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, बस हमें हल्के दो चार टुकड़े एक बादाम के हो जाएं, इतना करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम ड्राई फ्रूट पाउडर बनाएं तो उससे तेल ना निकल जाए। क्योंकि अगर हम ड्राई फ्रूट पाउडर को बहुत देर तक मिक्सी में चलाएंगे महीन करने के लिए, तो जो ड्राई फ्रूट के अंदर का जो एक फैट होता है वो छूटने लगता है और जो हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर है वो चिपचिपा सा हो जाता है, जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए हम इसे रफली थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे कि हमें मिक्सी में बहुत ज़्यादा देर तक चलाना ना पड़े। मैंने चारों ड्राई फ्रूट को इसी तरह से हल्का सा कूट के दरदरा कर लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे और इसका महीन पाउडर बना लेंगे, लेकिन हमें मिक्सी को बस एक दो राउंड ही चलाना है जिससे कि उसका तेल ना निकले, इसीलिए हमने उसे पहले कूटा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बादाम का पाउडर बना लिया है और ये बिल्कुल भुरभुरा है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं छूटा है। इस तरह से आप अलग अलग सभी ड्राई फ्रूट के पाउडर बना लें। यहाँ पर मैंने सेम वे से बादाम की तरह ही काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता चारों के पाउडर बना लिए हैं। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि क्या हम इसे एक साथ नहीं पीस सकते थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे अलग अलग क्यों पीसा है। इसका पहला रीज़न ये है कि जब आप एक साथ पीसते हैं तो जिस ड्राई फ्रूट में तेल या फैट ज़्यादा होता है उसकी वजह से आपका जो पूरा ड्राई फ्रूट पाउडर है वो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। बट अगर आप अलग अलग ड्राई फ्रूट को पीसते हैं उसके बाद
इस तरह से मिक्स करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा जिसमें फैट निकल रहा है उसकी वजह से सारा ड्राई फ्रूट पाउडर चिपचिपा नहीं होता है। जब जो सूखे वाले ड्राई फ्रूट हैं जैसे कि बादाम, काजू, जिसमें कम फैट होता है मुकाबले अखरोट के, तो सभी जब ड्राई फ्रूट पाउडर इस तरह से बाद में मिलाए जाते हैं तो वो हमेशा चिपचिपे नहीं रहते हैं, वो हमेशा एक पाउडर फॉर्म में रहते हैं, कभी भी उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर आप इस तरह से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप अलग अलग ही पीसें, उसके बाद इसको आप मिक्स करके अपनी बेबीज़ के फूड में डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि क्या सही तरीका है बेबीज़ को ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस कराने का। कि आप अगर अपने बेबी को पहली बार ड्राई फ्रूट पाउडर इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो आपको एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, मिक्सअप बाद में करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि ड्राई फ्रूट पाउडर जब हम अपने बेबी को देते हैं तो उसको रैशेस पड़ जाते हैं, उसको लाल चकत्ते पड़ जाते हैं या कभी कभी कुछ एलर्जी हो जाती है, ऐसा कई केसेस में देखा गया है और कई केसेस में बिल्कुल ये नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक ड्राई फ्रूट का मिक्सअप पाउडर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको एक एक करके अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जैसे अगर आप शुरुआत में पहले बादाम का केवल पाउडर बनाएं और उसको 3 दिन तक देकर अपने बच्चे को देखें, अगर बच्चा नॉर्मल है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप बादाम से ओके हैं, यानी कि आप उसको बादाम बेफिक्र होकर दे सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी ड्राई फ्रूट पाउडर जैसे काजू, अखरोट, पिस्ता या कुछ भी जो भी ड्राई फ्रूट को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उसको तीन दिन देकर देखें, और जब एक बार आप देकर देख लें उसके बाद आप जब दोबारा बनाएं तो सब एक साथ मिक्स करके भी बना दे सकते हैं अपने बच्चों को, कोई इशू नहीं है। बट शुरुआत में हमको पता नहीं होता है कई बार कि बच्चों को किस चीज़ से रिएक्शन हो रहा है, कई बार हम ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स करके दे देते हैं और बच्चे को रैशेज या एलर्जी हो जाती है, उसके बाद फिर हम बिल्कुल से ड्राई फ्रूट पाउडर बंद कर देते हैं। बट अगर आप अलग अलग देंगे तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर कौन सा ड्राई फ्रूट पाउडर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, आप उस ड्राई फ्रूट को अवॉइड करें और उसके अलावा आप और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अपने बच्चे को दे सकते हैं।